लोकसभा सोमवार से देश की नवगठित लोकसभा का पहला सत्र होगा। इसमें पहले प्रोटेम स्पीकर बनाने से लेकर नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा के लिए सभी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्षों की 19 जून को एक बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि देश की आजादी को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए इस विषय पर विचार होना चाहिए जिससे देश में पैसा और समय की बर्बादी रुक सके। इसके अलावा इस साल महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस संबंध में आयोजनों के बारे में चर्चा करने और जिलों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 20 जून को सांसदों की भी बैठक बुलाई है। संसद भवन में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, रामगोपाल, दीपेंद्र उपाध्याय, पीडीपी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, अधीर रंजन चौधरी, ललन सिंह, गुलाम नबी आजाद, सुप्रियो सुले, अनुप्रिया पटेल, आनंद शर्मा, डी राजा समेत कई नेताओं ने शिरकत की। सर्वदलीय बैठक में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नेता कांग्रेस ने नई सरकार को बधाई दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विचारधारा की लड़ाई थी और रहेगी। सेकुलरिज्म जो देश का कल्चर है उसको बचाने के लिए काम करते रहेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। किसान, सूखा और पीने के पानी पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मामले पर हमने सरकार को ध्यान दिलाया कि सत्ताधारी लोगों की तरफ से जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है वह गलत है। केंद्रीय संस्थाओं को कमजोर करने का भी आरोप लगाया।